हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि काफी सारे कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पीजी के एडमिशन से लेके, यूपी टेट से लेके, बीएड से लेके और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जो कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करें एलएलएम के लिए, तो एलएलएम के लिए एडमिशन के लिए जो हमारा फॉर्म भरने की डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। अब हमारी 29 तारीख हो गई है। यदि आपको एलएलएम में एडमिशन लेना है और आपने फॉर्म में भर रखा है और उसमें आपका करेक्शन है तो उसको अब डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। 29 तारीख तक आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में जो एडमिशन की प्रक्रिया है शुरू की जाएगी एलएलएम के लिए। तो एलएलएम में यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो आपने फॉर्म फिल किया हुआ था और यदि आपने एलएलबी के अपने फाइनल ईयर के मार्क्स जब तक नहीं आए थे वो आपने गलत चढ़ा दिए थे तो आप उनको अब सही कर सकते हैं, एलएलबी और बीएलएलबी के जो मार्क्स आपने एंटर किए थे। आगे बात करें जो हमारे पीजी के लिए एडमिशन चल रहे थे तो सेकंड मेरिट लिस्ट के जो एडमिशन होने थे वो 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक होने थे, लेकिन अब उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। उसकी डेट भी अब 28 तारीख कर दी गई है क्योंकि बैंक बंद होने के कारण उसको डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो यदि आप भी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ गया था तो अब आप 28 तारीख तक अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। जो उसके बाद में एडमिशन रहेंगे वो हमारे ओपन मेरिट से होंगे, यानी कि जो पीजी के लिए आगे एडमिशन होने हैं वो हमारे ओपन मेरिट से रहेंगे। आगे बात करें जो हमारा एलएलबी के लिए हमारे एडमिशन चल रहे हैं तो एलएलबी के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होनी थी लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो एलएलबी के लिए जो दूसरी मेरिट लिस्ट है वो हो सकता है कल जारी कर दी जाए। तो एलएलबी की दूसरी मेरिट लिस्ट कल जारी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आप अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। आगे बात करें जो बीएड के लिए एडमिशन चल रहे हैं तो बीएड की जो लास्ट डेट थी वो पहले 27 तारीख थी लेकिन अब उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। अब आप अपना एडमिशन 31 दिसंबर तक कंप्लीट करा सकते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट एडमिशन होना है वो आप 31 दिसंबर तक करा सकते हैं यदि आपने यूपी एंट्रेंस एग्जाम दिया है बीएड के लिए। तो आप भी अपना एडमिशन 31 दिसंबर तक अपना कन्फर्म करा सकते हैं। तो साथियों, यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।